हम प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपको नई टिप्स देने आई इंडिया चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का कक्षा 10th का छात्र हूं और शीघ्र ही आ रहा हूं आई इंडिया न्यूज चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का क्लास 10th का छात्र हूं। मैं आई इंडिया न्यूज चैनल पर जल्द ही आ रहा हूं आपके लिए नए नए टिप्स लेकर। देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 10th का छात्र हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर नए नए टिप्स लेकर। तो देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। धान के बाद अब गन्ना बेचने में किसानों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। गन्ना तुलाई के लिए उन्हें कई कई दिनों व रातें क्रय केंद्र पर गुजारनी पड़ रही हैं। ताजा मामला रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र का है। यह ताजा मामला मछरेटा का प्रकाश में आया है। यहां किसान गन्ना लदी ट्रालियां लेकर कई दिनों से खड़े हैं, मगर उनके गन्ने की तौल नहीं हो रही है। गन्ना कब तक तौला जाएगा यह भी कोई बताने वाला नहीं है। आप भी आई इंडिया पर देखें और सुने क्या कहते हैं गन्ना किसान। किसान बबलू ने बताया कि 7 दिन हो गए हैं गन्ना तौला नहीं जा रहा है। तौला जा रहा है, यहाँ भूखन सब किसान मरा जा रहा है। टाली खाले पौड़े के टाली के ऊपर पौड़े है, चोरी भी हो रही, बांट उठाया जा रहे हैं। अपनी ट्राली बचाए की ट्रैक्टर बचाए की घर बचाए, बताओ क्या क्या करें। अच्छा, अभी तक गन्ना तौला नहीं जा रहा है। हाँ, तौला ना आएगा, 7 दिन हो गए हैं। ट्राली खाले बताओ पौड़े है, यहाँ मर रहे हैं भूखे प्यासन, क्या करें। बहादुरपुरा के किसान दिग्विजय ने आई इंडिया को बताया कि 7 दिनों से ट्रॉली खड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। 7 दिन से ट्रॉली यहाँ खड़ी है और कोई तौले कर वो बनाए। गन्ना आपका सूख रहा है? गन्ना हमारा सूख रहा, पैसनों की जरूरत है। कब से गन्ना यहाँ सेंटर पर लेके आए हैं? 7 दिन हो गए, अभी तक तौला नहीं गया। अभी तक ना तौला गया है ना तौले वाला है। यहाँ पे जो कांटा मैनेजर है वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बताइए आप। कांटा मैनेजर कहते हैं तौल जाई नंबर से तौला जी। तौला क्यों नहीं जा रहा है? तरक नहीं है यहाँ। किसान विमलेश यादव ने बताया कि क्रय केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है। अहदानों से गन्ना लाए अब 7 दिन आज हुई गई, कोई यहाँ जो है शासन और कोई शासन सख्त ना है, ठीक, और कोई ना व्यवस्था है भरे वाली। 2 गाड़ी है मात्र, और वो गाड़ी 2 यहाँ भरी हैं, तो आज यहाँ नहीं काम हुई, फिर कल वहाँ हुई, फिर यहाँ काम रोका जा। 2 गाड़ी हैं, 2 सेंटर हैं, तो बताओ कहाँ लगे जाम टूट ना रही। आप यहाँ गन्ना लेकर आए हैं और कब से खड़े हैं और क्या दिक्कत आ रही है? आज जो हो गए हमको 7 दिन। गन्ना तौला नहीं गया आपका? हाँ, तौला नहीं, और दिक्कत ही। और अब बताओ जो छुला पड़ा है गन्ना वो कैसे जाएगा, जब यहाँ तौल नहीं हो पा रही है, जो ट्राली आई है और जो पर्ची हुआ परी है छुली हुआ कैसे जाएगी, वो सूख रहा खेत में और जो सेंटर पे लाया वो सेंटर पे सूख रहा। रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक उमाकांत पाठक ने आई इंडिया को बताया कि 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने, देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।